हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे यार आपका डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट के बीच में डिफरेंस। सही बताऊँ तो यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में क्या अंतर है। क्योंकि यार सही बताऊँ तो तीनों की तीनों टर्म मतलब एक जैसी लगती हैं और कई बार हम कन्फ्यूज जाते हैं बहुत बार कि इन तीनों में अंतर है क्या। तो यार वही देखेंगे इस लेक्चर में कि इस तीनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर सबसे पहले डिलीट की बात करूँ तो यार जो सबसे मोटा डिफरेंस है वो तो यही है कि डिलीट आपकी डीएमएल कमांड है और जो ड्रॉप एंड ट्रंकेट है वो दोनों आपकी डीडीएल कमांड है। मैंने आपको पहले बताया था डीडीएल और डीएमएल कमांड में इतना अंतर है कि डीडीएल कमांड से हम सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के स्कीमा में चेंज करते हैं, बल्कि डेटाबेस की जो टेबल है या फिर जो उसका एक्चुअल डेटा है उसमें कोई चेंज नहीं करते। एंड डीएमएल कमांड से हम उसके डेटा में चेंज करते हैं। तो यार डिलीट इज अ डीएमएल कमांड। इट इज़ यूज टू डिलीट द वन और मोर टपल्स ऑफ अ टेबल। मतलब डिलीट की हेल्प से हम एक या एक से ज़्यादा रो को डिलीट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड वी कैन आइदर डिलीट ऑल द रोज इन वन गो और कैन डिलीट रो वन बाय वन, दैट इज वी कैन यूज इट एज पर द रिक्वायरमेंट और द कंडीशन यूजिंग वेयर क्लोज। भाई अगर मैंने लिख दिया डायरेक्ट डिलीट टेबल तो वो तो क्या करेगा, पूरी की पूरी जो सारी की सारी रो है उस टेबल की उसको डिलीट कर देगा। और अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज को डिलीट करना है तो मैं उनको भी डिलीट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ वेयर कंडीशन। ठीक है, इट इज़ कंपेरेटिवली स्लोअर देन ट्रंकेट कमांड। आपकी डिलीट जो है वो ट्रंकेट से थोड़ा स्लो होती है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट ऑल द रोज ऑफ द टेबल तो सिंपल है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। और अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज को डिलीट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, नोट वी कैन यूज द रोल बैक कमांड टू रिस्टोर द टेबल। मतलब यहाँ पर हम आपकी रोल बैक कमांड को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह बताया था कि रोल बैक कमांड का काम होता क्या है। रोल बैक का मतलब होता है यार कि अगर मैंने सपोज कोई चेंजेस कर दिए और मुझे फ्यूचर में आके पता लगा कि यार जो मैंने चेंजेस करे वो मैंने फालतू में कर दिए, उनका कोई यूज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो प्रीवियस कमिट स्टेट है, अभी प्रीवियस जो सेव पॉइंट है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा विद द हेल्प ऑफ रोल बैक। तो यार जब मैं डिलीट सिंटैक्स यूज करता हूँ मैं उसके साथ आपका रोल बैक कमांड वहाँ पर यूज कर सकता हूँ टू रिस्टोर द टपल। नेक्स्ट आपका ड्रॉप। इट इज़ अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। मैं आपको बताया कि इट इज़ अ डीडीएल कमांड। इट इज़ यूज टू ड्रॉप द होल टेबल। ये आपकी पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप करने के लिए यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड वी कैन ड्रॉप और डिलीट द होल स्ट्रक्चर इन वन गो, दैट इज इट रिमूव्स द नेम्ड एलिमेंट्स ऑफ द स्कीमा। ये पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप कर देगा, मतलब पूरा का पूरा जो उसकी स्कीमा है, जो उस टेबल का नाम है उसको हटा देगा स्कीमा में से। बाई यूजिंग दिस कमांड द एग्जिस्टेंस ऑफ द होल टेबल इज फिनिश्ड और से लॉस्ट। ड्रॉप कमांड की हेल्प से आप बोल सकते हो कि जो आपकी वो टेबल थी जो आपने पहले बनाई हुई थी वो आपकी पूरी पूरी खत्म हो चुकी या फिर वो आपकी पूरी की पूरी लॉस हो गई है। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स सिंपल है यार, ड्रॉप टेबल नेम। जब हम ड्रॉप यूज करते हैं, क्योंकि ड्रॉप एंड ट्रंकेट आपकी डीडीएल कमांड है और डीडीएल कमांड में जो चेंज करता हूँ वो आपका स्कीमा में चेंज करता हूँ, तो जब भी मैं कोई स्कीमा में चेंज करता हूँ उसको मैं आपका रोल बैक कमांड से रिस्टोर नहीं कर सकता। इसे लिखा हुआ है वी कैन नॉट रिस्टोर द टेबल बाय यूजिंग द रोल बैक कमांड, क्योंकि आपकी डीडीएल कमांड है और डीडीएल कमांड का अगर हमने कोई भी चेंज करी है, अभी कोई भी हमने लॉस करी है, तो उसको हम आपका रोल बैक से रिस्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपकी ट्रंकेट। इट इज़ ऑल्सो अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। बताया है मैंने कि ड्रॉप एंड ट्रंकेट दोनों आपकी डीडीएल कमांड है। इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रोज ऑफ अ रिलेशन और टेबल इन वन गो। ये भी आपकी सारी की सारी रो को डिलीट करने के लिए यूज होता है एक गो में। विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट कमांड वी कैन नॉट डिलीट द सिंगल रो एज हेयर वेयर क्लोज इज नॉट यूज। ट्रंकेट कमांड में आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम वेयर कंडीशन का यूज नहीं करते हैं। बाई यूजिंग दिस कमांड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द रोज ऑफ द टेबल इज रोज। वही बिल्कुल ड्रॉप की तरह ही है कि जब हम आपका ट्रंकेट यूज करते हैं तो वहां पर भी आपका जो एग्जिस्टेंस है सारी की सारी रो का, उस पर्टिकुलर टेबल का, वो सारा आपका लॉस हो जाता है। इट इज कंपैरेटिवली फास्टर देन डिलीट कमांड एज इट डिलीट्स ऑल द रोज फास्टली। ये आपका डिलीट से थोड़ा फास्टर है, क्योंकि डिलीट भी आपका सारी की सारी रो को डिलीट कर सकता है, बट उस केस में हम आपका ट्रंकेट ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ट्रंकेट आपका फास्ट है एज कम्पेयर टू डिलीट। इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स यार सिंपल, इसका ट्रंकेट टेबल नेम। सो इसमें भी क्योंकि डीडीएल कमांड है तो मैंने आपको बताया है कि जो भी आपकी डीडीएल कमांड होगी या फिर जब भी हम आपके स्कीमा में कोई चेंज करेंगे उसको हम आपका रोल बैक से रिस्टोर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वी कैन नॉट रिस्टोर द टपल्स ऑफ द टेबल बाय यूजिंग द रोल बैक कमांड। तो यार ये थे आपके कुछ डिफरेंस डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट के बीच में। इसको यार प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन सही में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंपनी के इंटरव्यू में कि डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है।
ये यार कुछ रेफरेंस हैं, यहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं, मैंने भी यहीं से पढ़ के ये पीपीटी बनाई है, तो और ज़्यादा जानकारी के आप ये रेफरेंस और रेफर कर सकते हैं। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे को कवर करवाना था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में यार कुछ और कंसेप्ट कवर करवाने हैं जो मेरे से अभी अभी रह गए हैं पीछे, जैसे कि आपका एसक्यूएल के व्यूज क्या होते हैं और एसक्यूएल में अलग अलग कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, तो यार उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।